मोदी ने एक अनोखे रूप में सजाने का कदम उठाया है। जी हां, देश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उन्होंने उद्घाटन किया, जहां नेहरू से लेकर मोदी तक सभी की जानकारियां मिल सकेंगी। रिपोर्ट देखिए। इतिहास के बारे में जानना किसे पसंद नहीं होता, और वो इतिहास अगर देश और देश से जुड़ी महान हस्तियों के बारे में हो तो जिज्ञासाएं और भी बढ़ जाती हैं। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही जिज्ञासियों के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय को आजाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम का उद्घाटन किया है। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लोकार्पण का यह अवसर आप सभी की उपस्थिति से और भव्य बन गया है। आपकी उपस्थिति ने प्रधानमंत्री संग्रहालय की सार्थकता को, इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। अब आप देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारी को एक जगह पर देख सकते हैं। तीन मूर्ति भवन को अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपको देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारियाँ मिलेंगी, और ये भी पता चलेगा कि राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिकाएं रही। क्यों खास है प्रधानमंत्री संग्रहालय? संग्रहालय में देश के सारे प्रधानमंत्रियों की जानकारी, मोदी से लेकर नेहरू तक सभी की जानकारी, पूर्व प्रधानमंत्रियों की दुर्लभ सूचनाएं उपलब्ध। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 गैलरी, 306 करोड़ की लागत से बना है ये संग्रहालय। 2018 में मिली थी संग्रहालय को मंजूरी। ब्लॉक एक में है नेहरू म्यूजियम। संग्रहालय 10,491 वर्ग मीटर पर बना है। संग्रहालय में कुल 33 गैलरीज हैं और इस पर कुल 306 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रदर्शन से शुरू होकर संविधान के निर्माण तक ये संग्रहालय आपको इतिहास से अवगत कराएगा। म्यूजियम में आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश को एक नई राह दी और देश के चौतरफा विकास को एक नई दिशा दी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और आज बाबा